किस तरह से कौन सी एक्टिविटीज जो आप प्लान करते हैं एज पर योर इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान जब बच्चा आपके पास आ गया तो अब आप कौन सी उसके साथ जो है वो कोई एक्टिविटीज प्लान करते हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान करता है जी हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज मौजूद हैं जैसे कि जिक्स ऑफ पजल्स हो गई है और सॉर्टिंग आउट ऑब्जेक्ट्स हो गई है इसके अलावा ब्लॉक्स हो गए हैं इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक ज्योमेट्रिक शेप्स हो गए हैं इसके अलावा और भी मल्टीपल फ्रूट्स एक्टिविटीज हो गई फ्रूट्स कटिंग एक्टिविटीज हो गई है घर पे नहीं कर सकते तो इसमें जो है वो ओटी की क्या जरूरत है बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि आपका बच्चा एज के हिसाब से कितना पीछे है तो आप उसको एक जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप अपने बच्चे को करवा रहे हैं टेन का टेबल करवा रहे हैं लेकिन मेंटल एज उसकी जो है वो फाइव इयर्स है फोर ईयर्स है क्या टू के टेबल में ही अटका हुआ है बेचारा वो अभी टू के टेबल में अटका हुआ है और आप उसको टेन का टेबल करवा रहे हैं एट का टेबल करवा रहे हैं तो क्या वो अच्छे तरीके से याद कर सकेगा आप उसको जबरदस्ती मार्क पिटाई करके या कुछ भी करके जबरदस्ती आप उसको करवा भी देते हैं याद तो वो कितना एक दिन याद करेगा जब तक आप उसके सामने बैठे रहेंगे दूसरे दिन आप पूछेंगे वो फिर भूल जाएगा इसी तरीके से अगर आप पजल्स की बात कर रहे हैं आपका बच्चा जो है वो टू पीसिस कर सकता है और आप उसको जो है बहुत बहुत बड़े वाला पजल्स लेके जिसके ना बहुत सारे छोटे छोटे उसको मिला के आपने एक पूरा पूरा का पजल तैयार करना है तो, आप उसको वो करवा रहे हैं तो वो कैसे कर सकेगा सही तो जानना जरूरी है कि हमारे बच्चों को आ, किस चीज की कमी है और कौन से एरिया में स्पेसिफिकली जो है वो काम करना है

अभी जैसे कि आपने सवाल किया कि ये सारे काम तो हम घर पे भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको एक बाकायदा एक प्रोफेशनल जो होता है उसकी जरूरत होती है ताकि आप उसके साथ कोलेबरेट करके वो तो सारी चीजें घर पे परफॉर्म कर सकें जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप अपने बच्चे को अपने साथ खाने पीने में जैसे किचन में आप काम कर रही हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चे को अलग से पूरा का पूरा जो आपने ट्रीटमेंट प्लान बनाया है तैयार किया है वो करवाएं उसको फॉलो करवाएं तो आप उसको थेरापिस्ट को बताइए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारी चीजें अलग से बच्चे के साथ करूं तो थेरापिस्ट आपका आपके साथ कोलेबरेट करके आपकी अकॉर्डिंग एक ऐसा प्लान तैयार करता है जिसको आप घर पे भी कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल में आप ये ले लें कि आप एक बच्चे को अपने साथ किचन में लेके चले जाए और आपकी वो किचन में खाने पीने में या खाना जो भी आप बना रही हैं तो उसके अंदर हेल्प करें उसके अंदर हेल्प करने से क्या होगा कि उसको कटिंग आ जाएगी उसकी फाइन मोटर स्किल्स होंगी उसकी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगी उसकी यादाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी कि पता चलेगा उसको कि मेरी मेरी अम्मी ने या मेरी मदर ने जो मसाले हैं वो कहाँ रखे हैं और किस चीज़ का क्या नाम है इस तरह से उसकी वोकेबुलरी इंप्रूव हुई है उसकी जो है सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है वो अपनी मदर से मुसलसल बातचीत कर रहा है तो वो उसकी वोकेबुलरी इस तरह से बढ़ेगी कि उसके मल्टीपल चीजों के नए नए नाम याद हो जाएंगे अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि गरम मसाले में क्या क्या चीजें होती हैं उस बच्चे को नहीं बताओगे लेकिन अगर आप बच्चे को अपने साथ किचन में लेकर जाती हैं और खाना पका रही हो बकायदा उसको बता रही है ये लौंग है ये इलायची है तो उसकी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव हुई उसकी जो है वो स्पीच भी अच्छी हो गई इसके अलावा उसको कलर्स की भी पहचान हो गई उसके अलावा आप कलर्स उसको आइडेंटिफाई वहां पर करवा रहे हैं इसके अलावा जो एक और चीज आ जाती है मैथमेटिकल स्किल्स भी वहां पर इम्प्रूव हो रहे हैं उसको क्वांटिटी का अंदाजा हो रहा है कि क्या चीज छोटी है क्या चीज़ बड़ी है ये वाली चीजें भी इम्प्रूव हो रही है इसीलिए शायद कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है और माँ जो है वो बच्चे की पहली दर्ज का है तो माँ के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि वो अपने बच्चों को जितना टाइम देंगे जितना बच्चों को सिखाएंगे जितना अच्छा सिखाएंगे उनके लिए लॉन्ग रन में उनकी पूरी जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा अच्छा डेली लाइफ स्किल्स भी इसमें शामिल होता है आ, में, डेली लाइफ हमारी ओटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी डेली लाइफ में मुतासर होती है वो रोजमर्रा के काम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि या तो वो सीखा ही नहीं होता है उन्होंने कि हमें कपड़े कैसे पहनने हमें खाना कैसे खाना है तो उनको वो चीज सिखाई जाती है हुँ. छोटे बच्चे होते हैं ऐसा ऐसा जब वो ग्रो कर रहे होते हैं पेरेंट्स उसको खाना खाना सिखाते हैं उन बच्चों को नहाना सिखाते हैं कपड़े पहनना सिखाते हैं लेकिन एक बच्चा जिसको वो मुसलसल पेरेंट्स सिखाए जा रहे हैं लेकिन वो बच्चा नहीं सीख रहा तो पेरेंट्स को वहां पर थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे में ऐसा क्या फर्क आया है जिसकी वजह से वो हम चीज सिखा भी रहे हैं वो चीज नहीं सीख रहा तो वो एक कंसल्टेंट के पास जाए ताकि वो उससे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है या तो उसको में प्रॉब्लम हो सकती है उसकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम हो सकती है उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसकी मोटर प्लानिंग में या मोटर फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो OTs इन सारे के सारे चीजों को कवर अप करके बकायदा उनका प्लान तैयार करके उनको सारी परफॉर्म करवा करवाता है और सारी चीजें सिखाता है तो ये क्या एक हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोलैबोरेटिव वे होता है माँ बाप और आ, आ, ओटी के साथ exactly. एक कोलैबोरेटिव होना चाहिए इसमें क्योंकि जैसे आफ्टर वो आपके पास सेंटर में जो है वो तो थोड़ी देर के लिए आता होगा कितने मिनट्स का सेशन होता है वैसे हमारा सेशन तकरीबन 90 मिनट्स का होता है एक-एक सेशन -एक हमारा 30 30 मिनट्स का होता है तो हम एक बच्चे का और ये वीकली कितना होता है मतलब उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि हर बच्चा उसकी प्लै, अलग है होती, अच्छा। उसका ट्रीटमेंट प्लान भी अलग है उसकी नीड्स भी अलग है पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे को कितने दिन यहाँ पर आना है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी तो हर बच्चा हर बच्चे से मुख्तलिफ है सही। उसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उसको क्या क्या चीजें सिखानी है

तो इसमें माँ बाप के पास जो वो जाहिर सौबीस घंटे वहां पे रह रहा है या तेईस घंटे वहां पे रह रहा है बाईस घंटे वहां पे रह रहा है तो माँ बाप के साथ जो है वो कोलाबरे रिश्ता या कोलाबोरेटिव जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओ टी का और पेरेंट्स के साथ अच्छा यहाँ पे मैं आपके एक और सवाल करूंगी कि आजकल हमने देखने में आया है कि रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो बच्चा जो है वो रोड पे या किसी जमीन पे फर्श पे अपने आप को जो है वो रोल कर रहा है वो एक तो वो हाइपर एक्टिव होता है और दूसरा गुस्सा बहुत आता है तो इसकी क्या रीजन्स है 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 इसके भी रीजन्स हो सकते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा स्टबर्न जिद्दी और आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो इस चीज का फायदा उठाता है कि बच्चे अगर हम घर पर हैं तो हमें थोड़ा सा डांट दिया जाएगा लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स भी कंपोज हो जाते हैं हमें डांटते नहीं है अगर हम इस तरह की कोई हरकत करेंगे हमारे पेरेंट्स हमारी बात मान लेंगे एक फैक्टर ये है दूसरा फैक्टर ये है कि वो बच्चा उसको पता ही नहीं है मुझे सोशली इंटरक्ट कैसे करना है तो वो अपनी इस तरह के ट्रेंड ट्रम बाहर जाके शो करता है तीसरी चीज ये आ जाती है कि उसके सेंसरी रेगुलेशन सेंसरी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको बहुत ज्यादा क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम रेस्टोरेंट अगर बच्चे को लेके जा रहे हैं तो वो ओवर रिएक्ट कर रहा है वहां पे रेस्टोरेंट में मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा लाइट्स आ रही हैं बहुत ज्यादा कलर्स आ रहे हैं, हैं क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव uh, बने हुए होते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट होके वहां पर आ, आ exactly, उसको करता है। कुछ रेस्टोरेंट्स में लाइट्स इतनी ज्यादा लाइट कर रही होती है उसके ऊपर इतना ज्यादा स्टिमुलेशन मिल रही होती है उसके ब्रेन को कि वो लाइट हमारे लिए नॉर्मल है लेकिन बच्चे के लिए ओवरलोड हो गई है अब बच्चे को वो साइन जा रहा है सिग्नल जा रहा है स्टिमुलेशन जा रही है विजुअल के थ्रू उसके ब्रेन तक वो फंक्शन गया लेकिन ब्रेन में जो है वो एक तरह से खिचड़ी टाइप पक रही होती है उसको पता नहीं होता कि मुझे परफॉर्म किस तरह से करना है बिहेव किस तरह से करना है है सेंसरी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ आ रही है। उसके उसके अलावा साथ इमोशंस भी आ जाते हैं कि उसको इमोशंस रेगुलेट करना नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करूँ तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक करती हैं तो इसलिए भी हम ये सारी चीजों को थेरेपी में इंक्लूड करते हैं ठीक है तो हाइपर एक्टिविटी में भी जो है वो ओटी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और बहुत ज्यादा उसके एडवांटेजेस है अच्छा यहाँ पे मैं सवाल करूँगी कि आजकल हमारे यहाँ जो डाइट है बच्चों का इवन बड़ों का भी उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी, भी आ रही हैं नई बीमारियां भी आ रही हैं और बीमारियों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा हो गई है तो क्या डाइट जैसे बच्चों की जो डाइट है बच्चे बात वो है वो जंक खाना ज्यादा पसंद करते हैं या अच्छा ये भी है कि वो पसंद करते हैं या हमने उनको लगवाया कि हमने घर का खाना बनाने के बजाय कि उसमें टाइम लगता है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है उसकी बजाय हमने एक चिप्स का पैकेट उनको ला के दे दिया तो अब वो उनका टेस्ट डेवलप हो गया तो डाइट के बारे में थोड़ा सा बताइए आप तो कि कि डाइट जो वो किस तरह से इम्पेक्ट करता है डाइट बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है जैसे कि हम बड़ों की भी बात करते हैं डाइट का ख्याल तो छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के हर शख्स को करना चाहिए बच्चे की बुड डाइट इस तरह से मुतासर करती है बच्चे को क्योंकि उसका बिहेवियर और उसका बच्चों को एक किस तरीके से बिहेव करना है उस जगह पे तो उसको भी मुतासर करता है किस तरीके से अगर बच्चा बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा है उसकी सेहत को मुतासर करेगा बहुत ज्यादा मीठी चीजें खा रहा है चॉकलेट्स इसके अलावा स्वीट्स हो गई हैं तो वो चीज उसकी हाइपर एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी और साथ साथ में पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम करेगी क्योंकि मीठी चीजें हाइपर एक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करती हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चे को ऐसी चीजें खिलाएं जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होल ग्रेन फूड्स खिलाएं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको खिलाएं ओमेगा थ्री फैटी एसिड उसको यूज करवाएं ताकि उसकी बॉडी के लिए अच्छी हो और उसकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत अच्छे होते हैं इसके अलावा अल, जितनी भी कैफीन रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो भी उसको ब्रेन को स्टमुलेट करती हैं तो वो चीज भी अमाउंट भी कम रखें जैसे कि मीठी जूसेस होते हैं बच्चे को जूसेस पेरेंट्स दे देते हैं पैक जो होते हैं वो भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा तादाद में मीठा मौजूद होता है इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हैं सोडाज हो गए हैं है, वो भी हमें डिडक्ट कर देना चाहिए बच्चों को इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए इस तरह से तो हमें बच्चों का एक खास डाइट प्लान भी बनाना चाहिए या किस तरह से डाइट होना चाहिए क्या क्या चीजें खिलानी चाहिए बच्चों को अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की लाइफ से क्या क्या चीजें हमें निकाल देनी चाहिए तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए तो उसके अंदर आप बच्चों के सबसे ज्यादा लाइफ में इंक्लूड करें ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो कि ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ब्रेन को रेगुलेट करता है बच्चों की परफॉर्मेंस उससे अच्छी होती है की, तरह के फूड्स में होता है फिश में होता है बहुत ज्यादा ओमेगा फैटी एसिड इसके अलावा आप मिल्क बच्चे को दे सकते हैं मिल्क के अंदर भी विटामिन डी होता है कैल्शियम होता है फास्फोरस होता है मल्टीविटामिन से भरपूर होता है पूरा दूध का एक गिलास बच्चे को वो दिया जा सकता है इसके अलावा गोश्त की फॉर्म में गोश्त दिया जा सकता है मीट मल्टीपल्स होते हैं जैसे गाय का हो गया है और मुर्गी का हो गया चिकन बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं हम वो चीज दे सकते हैं बच्चों को इसके अलावा बच्चों को अंडे दिए जा सकते हैं एक्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं या तो बॉइल फॉर्म में दिए जा सकते हैं या फिर फ्राई करके दिए जा सकते हैं ऑमलेट बना के दे, दे सकते हैं मल्टीपल फॉर्म में उनको अंडे दिए जा सकते हैं जरूरी नहीं कि एक ही तरह का अंडा हम बना के बच्चे को दें इं। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम बना सकते हैं उसके फ्रेंच टोस बना के बच्चे को दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है फ्रेंच टोज बच्चे को दिखने में भी अच्छा लगता है खाने में भी अच्छा लगता है इसके अलावा हम चीज जो होती है जैसे कि बच्चों को पिज्जा पसंद है पिज्जा इसलिए पसंद होता है क्योंकि उसके अंदर चीज होती है तो चीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है चीज भी बच्चों को दी जा सकती है इसके अलावा बीन्स जो होती है रेड बीन्स हो गई है व्हाइट बीन्स हो गई है और चिक पीस हो गए यानी चने हो गए वो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं व्हाइट वाले और ब्लैक वाले दोनों आ जाते हैं इसके अलावा बच्चों को दालें भी खिलानी चाहिए दाल में बहुत सारी आ जाती है उसके अंदर कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके अंदर रेड होता है येलो होता है इससे बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और बच्चे को वो उसका थोड़ा सा टेस्ट उसको आप बनाने में थोड़ा सा टेस्ट डाल दें ताकि वो क्योंकि आपने बच्चे को बहुत सारी चीजें बाहर की खिला के आप बच्चे को अगर दाल खिला रहे हैं तो बच्चा वो क्यों खाएगा तो वो चीज दिखने में भी उसको इतनी अट्रैक्टफुल लगनी चाहिए ताकि वो उसको खाने में भी मजा आए क्योंकि हम चीज वही खाते हैं जो चीज हमें दिखने में अच्छी लग रही होती है चाहे वो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो या ना हो और इसके अलावा बच्चे को फ्रूट्स खिलाएं जितने भी फ्रूट्स आते हैं सीजनल फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं तो सीजनल फ्रूट्स खिलाएं जैसे उसके अंदर वाइटामिन सी बहुत ज्यादा तादाद में होता है स्ट्रॉबेरीज की बात करेंगे अगर हम बनानास की बात करते हैं बनानास हमारे मोटर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है मैग्नीशियम मौजूद होता है बनानास के अंदर इसके अलावा तरबूज हो गया वो भी उसके अंदर वाइटामिन सी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होता है इसके अलावा सीड्स भी आप बच्चे को खिला सकते हैं उसके अंदर और ओमेगा फैटी एसिड बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। बच्चे को मतलब जितना नेचुरल फूड होना चाहिए प्रिजर्वेटिव से अलग अलग जो नेचर में ग्रो होता है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खिलाना चाहिए बिल्कुल क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल चीज कोई नहीं आ रही है अच्छा डिसेबिलिटी के नतीजे में क्या बच्चे को खास स्कूल में ही जाना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का जो स्कूल है, एक स्कूल स्कूल है 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 या नॉर्मल नॉर्मल में में भी जा जा सकता है। बच्चा अगर एक में जा रहा है और पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है तो वहां पर बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक तो ये होगा कि उसको लर्निंग में प्रॉब्लम है देखने में उसको परसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या लिखने में प्रॉब्लम आ रही है टीचर भी उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा अगर बच्चे को सोशल एंजाइटी है और वो दस पंद्रह बच्चों के साथ बैठा हुआ है तो वो वहां पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी और दूसरा ये कि बच्चा अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा अगर टीचर्स उससे कोई सवाल कर रहा है बच्चा उसका जवाब नहीं दे रहा तो दूसरे साथ जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो उसको बुली करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वाला फैक्टर भी बच्चे की इमोशनल हेल्थ को बहुत ज्यादा मुतासर करता है इसके अलावा बच्चे के साथ नॉर्मल एक बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो वहां पर क्यूरीम बहुत ज्यादा होता है जो कि बच्चे को एक्सेप्टेबल ही नहीं है उसकी मेमोरी उसको परसीव ही नहीं कर पा रही है उसकी आदाश इतनी नहीं है कि वो सारी चीजें वो याद कर सके तो वो वाली चीजें बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है तो अगर ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं हम बच्चों को तैयार करते हैं उनको स्कूल जाने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि हम बच्चे को पहले तैयार करें स्कूल जाने के लिए डायरेक्टली बच्चे को उठा के तैयार करके स्कूल भेजना कोई अच्छी चीज नहीं है कि बच्चा वहां जाके बजाय अच्छा बनने के पढ़ने लिखने के और ज्यादा वो डिप्रेवेशन का शिकार हो जाए और ज्यादा उसकी जहनी सेहत मुतासर हो

है, एसोसिएटेड है उसको आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया और बहुत अच्छे, अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चों के लिए आ, तो नाजरीन बच्चों की हम जो ग्रोथ है और यही बच्चे जाहिर सी बात है कल को जो है वो मुस्तबिल की ममार बनेंगे इकबाल के शाहीन, और अगर इनकी जो बेस है जो अर्ली जो ग्रोथ है या चाइल्ड डेवलपमेंटल ईयर्स हैं अगर वही सही नहीं होगा या आप उसके ऊपर तोज्जा नहीं देंगे तो आगे चल के ये बच्चे और इस पूरे मुल्क और कौम की जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जैसे ही आप अपने बच्चों को देखें एक साल से शुरू कर सकते हैं हम लोग बच्चे की असेसमेंट कराना जैसे ही आप अपने बच्चे के अंदर कोई भी किसी भी एरिया में कमी देखें या उसकी कोई डेफिसिट है या वो सही से नहीं चल पा रहा है या वो सही से बात नहीं कर पा रहा है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स में अपने बच्चे की असेसमेंट हमारे माहरीन से करवा सकते हैं इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी अल्लाह हाफिज